नमस्कार। कोरोना महामारी पर विशेष बुलेटिन कोरोना को करो ना लेकर हाजिर हूं मैं मीनाक्षी त्रिवेदी। दरअसल कोरोना के कहर से पूरी दुनिया मुसीबत में है। आज भारत के कई राज्यों ने 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। देश भर में जनता कर्फ्यू लगाया गया है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। हमारा मकसद भी यही है कि आपको इस खास बुलेटिन के जरिए दुनिया भर में फैली इस महामारी से जुड़ी एक एक जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा सके। तो आइए सबसे पहले एक नजर कोरोना से जुड़ी बड़ी सुर्खियों पर। कोरोना के चलते भारत समेत पूरी दुनिया में हड़कंप। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 13,000 के पार। भारत में कोरोना के मामले 350 पार, 7 की मौत। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। देश में जनता कर्फ्यू का दिखा व्यापक असर। सड़कों पर दिन भर रहा सन्नाटा। मुंबई में लोकल, दिल्ली में मेट्रो सेवा बंद। शाहीन बाग ने मानी जनता कर्फ्यू की अपील। धरने पर सिर्फ 5 महिलाएं, प्रदर्शनकारियों में एक निकला कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस के चलते 31 मार्च तक सभी ट्रेनें हुई रद्द। रेलवे ने प्रभावित यात्रियों को पूरा पैसा वापस करने का किया फैसला। 21 जून तक रिफंड लेने का समय। कोरोना टेस्ट के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। प्राइवेट लैब के लिए गाइडलाइंस तय। अधिकतम मूल्य 4,500 रुपए तक रखने पर फैसला। सुर्खियों के बाद अब पहली खबर जनता कर्फ्यू से जुड़ी। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर अब पूरी दुनिया पर टूट रहा है। दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। भारत में इसके मरीजों की तादाद 350 के पार पहुंच गई है, तो वहीं 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वायरस से जंग के लिए आज जनता कर्फ्यू लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज देश की आवाम अपने घरों में बैठी रही, सड़कें पूरी तरह से खाली। तो कैसा है पूरे देश में माहौल, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के वुहान से शुरू हुए संक्रमण कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ने अब एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में कोरोना अपने पांव पसार चुका है, तो वहीं सभी देश अपनी ओर से इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम जरूरी कोशिशें कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस अपना दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। इसके बाद आज पीएम की अपील पर जनता कर्फ्यू लगाया गया। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। जनता कर्फ्यू का असर हिंदुस्तान के हर हिस्से में देखने को मिल रहा है और सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। साथ ही तमाम सर्विसेज बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं और कर्फ्यू की वजह से आज लगभग 3700 ट्रेनें नहीं चल रही। देश के तमाम मॉल बंद कर दिए गए हैं। पर्यटन स्थल पहले से ही बंद किए जा चुके हैं। कई राज्यों में आंशिक तो कई जगह पूर्ण रूप से बस सेवा रोक दी गई है। हवाई सेवा पर भी इसका साफ साफ असर देखा जा रहा है। राजस्थान, पंजाब में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं ओडिशा, महाराष्ट्र के कई शहरों को बंद कर दिया गया है। जनता कर्फ्यू का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। देश के सभी राज्यों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आज लोग घरों में कैद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना वायरस के कारण बनी संकट की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज देश में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की थी और अब देश ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कमर कस ली है। देखना होगा कि इस महामारी की रोकथाम कब तक हो पाती है और फिर लोगों की जिंदगी कब तक पटरी पर आ पाती है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके बढ़ते असर को रोकने के लिए देश दुनिया में तमाम उपाय किए जा रहे हैं, बावजूद इसके कोरोना पर लगाम नहीं लग पा रही है। बात अगर देश की करें तो ये जगह जगह तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 80 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आज सुबह तक पूरे देश भर में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या 350 पार कर गई है। कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया के 170 से ज्यादा देश आ चुके हैं और अब तक इससे संक्रमित लोगों की संख्या 2,75,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 11,000 के पार है। जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत कोरोना वायरस का अगला सबसे बड़ा शिकार हो सकता है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 350 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। 63 साल के एक मरीज ने बीती रात बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। तो वहीं बिहार में एक मरीज की मौत हुई है जिसकी उम्र 38 साल है। सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले बढ़कर 74 हो गए हैं। शनिवार शाम से अब तक 10 से ज्यादा मामले सिर्फ इसी राज्य से सामने आए हैं।
तो वहीं संक्रमितों में 25 लोगों के अस्पताल से ठीक होकर घर जाने की राहत भरी खबर है। फिलहाल कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंचने से रोकने और ऐसी नौबत आने पर बड़ी संख्या में मरीजों के इलाज के इंतजाम में जुटे भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहां कोरोना के अपेक्षाकृत माइल्ड वायरस का प्रकोप हुआ है। यही कारण है कि भारत में अभी तक 350 के आसपास कोरोना वायरस के मरीजों में एक की भी स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन वायरस लगातार अपना रूप बदलता है और वो कभी भी अपना चरम रूप ले सकता है। अब लगभग पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से करोड़ों लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में मौत का आंकड़ा 7 पार कर गया है। संक्रमण और मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सरकारी राहत और इंतजाम की। सरकार ने इस ओर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए बताते हैं आपको अपने इस रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें राहत के कदम उठा रही हैं, ताकि कोरोना के प्रकोप को कम किया जा सके। इस कड़ी में मरीजों और संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जाँच करने के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी है। इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने प्राइवेट लेबोरेटरी को कोरोना वायरस टेस्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सैंपल टेस्ट के लिए अधिकतम लागत 4,500 रूपए है, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 1,500 रूपए और पुष्टिकरण टेस्ट के लिए 3,000 रूपए लगेंगे। केंद्र सरकार ने कल प्राइवेट लैब्स को COVID-19 टेस्ट के लिए अधिकतम मूल्य 4,500 रूपए तक रखने की सिफारिश की थी। टेस्ट के मद्देनजर प्राइवेट लेबोरेटरी के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार NBL प्रमाणित सभी प्राइवेट लेबोरेटरी को ये टेस्ट करने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार रात को यह अधिसूचित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ICMR के डायरेक्टर ने राज्य सरकारों से बात की कि कोरोना का टेस्ट करने के लिए देश भर में लैब की संख्या बढ़ाई जाए, जिसके बाद 111 लैब कोरोना के संक्रमण की जाँच कर पाएंगे। आपको बता दें, देश भर में कोरोना का कहर जोर पकड़ रहा है। इसी बीच बड़े स्तर पर जांच कराने की मांग उठ रही है। फिलहाल ICMR के पास करीब 1,00,000 टेस्टिंग किट हैं। 10,00,000 और किट का ऑर्डर दिया गया है। कोरोना वायरस देश में तेजी से फैल रहा है, इसके चलते इसको रोकने के उपाय में सरकार भी जुट गई है। देश के कई शहर लॉकडाउन हो चुके हैं तो कई राज्यों में इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद करने की तैयारी है। कोरोना वायरस ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। कोरोना वायरस के संक्रमण के शुरुआती दिनों में लोग सफर करने से बचने लगे। यात्री रेलवे टिकट भारी संख्या में कैंसिल करवाने लगे, जिस वजह से कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया। अब कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। इंडियन रेलवे ने 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। रेलवे ने बताया कि सभी लंबी दूरी की ट्रेनें, एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों का परिचालन 31 मार्च की रात 12 बजे तक बंद रहेगा। रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि रद्द ट्रेनों की सूची में कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे, उपनगरीय ट्रेनें भी शामिल हैं। हालांकि आज रात 12 बजे तक उपनगरीय ट्रेनें, कोलकाता मेट्रो की सेवाएं जारी रहेंगी। वैसी ट्रेनें जो 22 तारीख से 4 घंटे पहले चलनी शुरू हुई थी, वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगी। रेलवे बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। रेलवे ने कहा कि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने के लिए माल गाड़ियां चलती रहेंगी। रेल यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने टिकट कैंसिल करवाने पर कोई चार्ज नहीं लेने का फैसला लिया है। रेलवे ने कहा है यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक इन टिकटों को कैंसिल करने के एवज में 21 जून तक पैसा लिया जा सकेगा। रेलवे ने कहा है यात्रियों को आसानी से पैसा वापस मिल सके, इसके लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और इस महामारी के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश करें। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB Live। नमस्कार।